देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देशवासियों को दिया था नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा त्रिसुंडी गांव में बना उपकेंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। खबर अमेठी जिले के ब्लॉक भादर अंतर्गत थाना रामगंज के ग्राम सभा त्रिसुंडी की है, जहां लाखों की लागत से बना अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपकेंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों को चिढ़ा रहा। स्वास्थ्य केंद्र में जड़ा रहता है हर वक्त ताला। स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख न होने से उसमें लगा गंदगी का अंबार, बड़ी बड़ी घास में बना है जहरीले जानवर का आशियाना। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दिए नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार, वहीं उन्हीं के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के संसदीय क्षेत्र में सरकारी अस्पताल की दुर्दशा देख मरीज खुद रो रहे। उन्हीं की सरकार में उन्हीं के कर्मचारियों की लापरवाही से सरकार की मंशा में पानी फेर रहे कर्मचारी सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं को धरातल पर लाने वाले खुद कर रहे लापरवाही। कर्मचारी मस्त, जनता श्रस्त। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य लेकर क्या समस्या है? अस्पताल को लेकर क्या समस्या बताओ? अस्पताल बंद डॉक्टर आवत है। क्या नाम है? उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या समस्या है? मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं तिपुंडे गांव का निवासी हूँ। मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना है, यहाँ कोई डॉक्टर बैठता नहीं। हमारे गाँव वालों को बहुत असुविधा होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या समस्या है त्रिसुंडी ग्राम सभा में? हमारा राजस्थान जायसवाल नाम है, त्रिसुंडी रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ अस्पताल बनी है, यहाँ कोई डॉक्टर बैठते नहीं है। हम लोगों को सुई लगवाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। कितने दिन से डॉक्टर नहीं बैठा है यहाँ? काफी दिनों से जैसे बना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या समस्या है? हमारे गाँव में अस्पताल है लेकिन खुलता नहीं। जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? मेरा नाम उत्कल सिंह है, मैं चुंडी गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां पे जो है हमेशा ताला लगा रहता हुआ है। अगर कोई भी मरीज को कोई भी प्रकार की परेशानी होती है, उसे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। और कोई प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम हो, मान लो रास्ते में जाते कुछ हादसा हो जाए, तो किसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे जो डॉक्टर या नर्स जो भी स्टाफ है यहाँ पे मौजूद हो और यहाँ पे अच्छे से अच्छे मरीज का इलाज किया जाए। मेरा नाम कुलदीप तिवारी है, सुंडी ग्राम का निवासी हूँ। और हमारे गाँव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जिसमें ना तो कोई डॉक्टर आता है, ना तो कोई नर्स जाती है, और खुलता भी नहीं है। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है सुई वगैरह लगवाने के लिए, हमको बहुत दूर जाना पड़ता है हम लोगों को। तो कृपया आप लोगों की वजह से अगर इस पे कुछ काम हो जाए, कम से कम डॉक्टर वगैरह आने लगे, तो हम लोगों को भी बेटर हो जाएगा, थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।